कार्डियक प्रॉब्लम्स यानी हार्ट प्रॉब्लम्स के ऊपर मैंने एक सेशन किया था, आपने अटेंड किया है सभी ने, राइट? मोस्ट ऑफ यू हैव अटेंडेड. ओके, सो कार्डियक सिस्टम भी एक ऑर्गन है, यानी कि आपका हार्ट भी एक ऑर्गन है. पर आज हम, बिकॉज हमारे पास जितना टाइम रहता है, हम उसमें मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करते हैं और आपको समझ में आए उस तरह से हम कोशिश करते हैं, राइट? सो आज हम तीन ऑर्गन्स के बारे में बात करने वाले, तीन मेन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स के बारे में. ओके, सो हार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था. जो बाकी जो जो तीन है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके बारे में आपको बताती हूँ मैं. सो उनमें से एक है, वो उसका नाम ही कुछ ऐसा है कि जो आपको जीने में मदद करता है, राइट? सो यू आर लिविंग, राइट? आप जी रहे हो, आप लिव कर रहे हो, राइट? सो उसका नाम है ऑब्वियसली लिवर, राइट? सो आपको आपके जो डे टू डे मेटाबॉलिज्म है, जो आपका डाइजेशन है, जो सारा प्रक्रिया है बॉडी का, वो पूरा का पूरा इसके ऊपर जिम्मेदारी है बॉडी का, राइट? और वो है आपका लिवर. जो दूसरा है वो है आपकी किडनीज. ओके, वो किडनीज क्या करती है, जो एक्स्ट्रा जो जो जितना भी कचरा है बॉडी का वो यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है, राइट? और जो तीसरा है वो आपको जिंदा रखने के लिए मदद करता है, क्योंकि आप सांस लेते हो, और वो है आपके फेफड़े यानी कि लंग्स. ठीक है, सो लिवर, किडनी और लंग्स की आज हम बारे में बात करने वाले हैं. और ये तीनों इतने वाइटल ऑर्गन्स है कि आप इसमें से कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको पता है कि क्या इश्यूज होते हैं, राइट? तो हम उन्हीं इश्यूज के बारे में भी बात करेंगे और उसके सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात करेंगे. सो लेट मी टेक यू टू द यू नो थ्री ऑर्गन्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टूडे. ओके, सो आई हैव स्टार्टेड, इफ यू कैन सी माई स्क्रीन. शुभाशीष जी, स्टार्ट हो गया ना ये? यस मैम, एकदम. ओके, थैंक यू, ग्रेट. सो यू मोस्ट वेलकम टू द वेलनेस वर्ल्ड ऑफ सर्वश्री. हम ये क्यों कहते हैं शुरुआत में, क्योंकि यू आर आप है ना एक एक दुनिया में एंटर करने जा रहे हो, राइट? जहाँ पे आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स के जरिए, नेचुरल सॉल्यूशंस के जरिए आपको आपकी हेल्थ सुधारने का मौका मिलता है. ठीक है, तो उसके लिए अब आज के टॉपिक के लिए सबसे ज्यादा जो मैंने बताया आपको, ये तीन मेन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, किडनी, लिवर और लंग्स के बारे में. ओके, सो आपके लंग्स यहाँ है, आपकी आपका लिवर यहाँ है और किडनी पीछे की तरफ होती है दोनों. ठीक है, ओके, चलो सबसे पहले हम देखते हैं किडनी हेल्थ. या कितने लोग आप में से किसी ना किसी को जानते हैं जिनको या तो पथरी की प्रॉब्लम है यानी किडनी स्टोन्स, या फिर किडनी की कोई भी बीमारी है, जैसे किसी का किडनी फेल हुआ है, किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी को किडनी का इन्फेक्शन हुआ है, किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, या चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, राइट? हाँ जी, हाँ जी, वंदना जी, यस, आपका मैसेज देख लिया मैंने. यस यस, ओके, सो यस, आप लोग में से कई लोग जानते हैं उन लोगों को, या खुद भी शायद जूझ रहे होंगे किडनी की समस्या से, राइट? सो सबसे पहले चीज हमें ये जानने की जरूरत है कि किडनी है क्या. किडनी बेसिकली एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. ये जो ऑर्गन है यहाँ पे आपके तो एक एक जोड़ी में होता है किडनी, राइट? जोड़ी में आपको मिली होती है. कई बहुत रेयर ऐसे केसेस होते हैं जिनको जेनेटिकली ही बचपन से एक ही किडनी होती है, वो उसके बारे में बात नहीं करते हैं, हम नॉर्मल केसेस के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो यूजुअली ये पैर में होती है और आपका जो रीढ़ का हड्डी है उसके दोनों तरफ होती है, राइट? मतलब बीच में से जो स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है उसके आइदर साइड, दोनों साइड पे एक एक किडनी होती है, पेट के पीछे होती है. ठीक है, तो आप पेट और इंटेस्टाइन नहीं देख पाओगे, उसके पीछे होती है, तो बैक की तरफ होती है किडनी, राइट? और आपकी मुट्ठी जितनी है उससे थोड़ी सी बड़ी होती है, जितनी आपकी साइज मुट्ठी की है उससे थोड़ी ज्यादा साइज की होती है. ठीक है, ओके, इसका फंक्शन क्या है? शरीर में जितना कचरा पैदा होता है, जो भी आप खाते हो या पीते हो, उसको कचरे उस कचरे को बाहर निकालने का काम होता है किडनी का, राइट?
और दूसरा काम ये, अच्छा वो किससे, किसके थ्रू निकालता है? ये यूरिन के थ्रू निकालता है, किडनी, ठीक है? स्टूल्स के, अच्छा मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, स्टूल्स यानी कि आप जो टॉयलेट है, ओके, तो उसके थ्रू आप कौन सा ऑर्गन आपको हेल्प करता है निकालने का? हमने गैस्ट्रिक इश्यूज में ये देखा है, कौन सा ऑर्गन है जो आपको स्टूल्स के थ्रू कचरा निकालने में मदद करता है? राइट इट इन द चैट बॉक्स, थोड़ा रिविजन करते हैं, ठीक है? कितना, कितने लोगों को याद है, देखते हैं, कौन सा ऑर्गन है जो स्टूल्स के थ्रू निकालता है कचरा? आपके बॉडी से कचरा जो निकलता है, मल निकलता है, नहीं रानी जी, किडनी तो आज हम बात कर रहे हैं ना, यस तन्मय जी, इट्स द लार्ज इंटेस्टाइन, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन अब्सॉर्प्शन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन के यहाँ पे सारे टॉक्सिन्स जमा होते हैं और वो निकल जाते हैं स्टूल के थ्रू, ठीक है? स्टूल से, आई होप एवरीबडी इज अवेयर ऑफ वॉट इज स्टूल्स, ओके, ओके, सो आज हम बात कर रहे हैं लिक्विड वेस्ट मटीरियल की, सॉलिड वेस्ट मटेरियल की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है? सो किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो आपका टॉक्सिन्स निकालता है बॉडी के बाहर, और वो टॉक्सिन कुछ भी हो सकता है, वो टॉक्सिन आपका केमिकल टॉक्सिन्स हो सकते हैं, वो टॉक्सिन्स आपके जो बॉडी को जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें एंड में वो निकल जाता है बाहर थ्रू यूरिन, ठीक है? तो इट इज अ पार्ट ऑफ द किडनीज आर अ पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, ओके, ठीक है? और ये बॉडी का फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है। फ्लूइड बैलेंस का मतलब क्या है? सोडियम, पोटेशियम, वाटर, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, वरना मसल क्रैम्प्स आ सकते हैं, वरना आपको बहुत सारे दिक्कतें आपके यू नो यूरिन फॉर्मेशन में आ सकती है, स्वेटिंग में आ सकती है प्रॉब्लम, तो ये सारी चीजें किडनी का काम है, ठीक है? तो लेट्स सी व्हाट नेचर, कुदरत में क्या ऐसा है जो हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी किडनीज के लिए, किडनी को हेल्दी रखने के लिए। सो लेट्स सी द पावर ऑफ नेचर थ्रू SHPL प्रोडक्ट्स, ओके? सबसे पहले अगर किडनी की बात करूं मैं कैप्सूल के रूप में, दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे बहुत, सुनिए, मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली बताने जा रही हूँ कि किसको क्या प्रॉब्लम होगा अगर, तो ये प्रोडक्ट उसके लिए है, ओके? अगर अभी आपने ध्यान नहीं दिया, मैं फिर अगर आपने सेम क्वेश्चन मुझे क्वेश्चन आंसर में पूछा, तो मैं आपको ही सवाल पूछूंगी कि आप याद करो कि क्या था, राइट? तो अभी आपको ध्यान देना है, ओके? फिर मुझे क्वेश्चन आंसर में ये मत पूछो कि इसके लिए मैम आपने क्या क्या बता सकते हो आप, राइट? अभी ध्यान दे दीजिए। हाँ, अगर नहीं सुना है वो बात अलग है, बट आप अभी ध्यान दीजिए, ठीक है? कैप्सूल्स की श्रेणी में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो है किडनी के हेल्थ के लिए, वो है केडियन केयर, या किडनी केयर भी बोल सकते हो आप इसको, राइट? अब इसमें सारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, ओके? तो इसमें एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स विल नॉट हैव, कोई भी प्रोडक्ट SHPL का कहां कहीं पर भी एलोपैथी या केमिकल का यूज नहीं किया गया है, ठीक है? तो 100% आयुर्वेदिक है ये। अच्छा, अभी ये किन किन को देना चाहिए, ध्यान से सुनिए, आप लिख लीजिए चाहिए तो, जिनको किडनी स्टोन्स है यानी पथरी है। आप कितने लोगों को पथरी की समस्या कभी ना कभी रही होगी पास्ट में, या अगर आपका पानी का इंटेक कम है, तो ये दवाई के साथ, ये सप्लीमेंट के साथ साथ पानी का इंटेक भी ज्यादा रखिए, क्योंकि वो फ्लश होना चाहिए बॉडी के थ्रू कचरा सारा, है ना? तो ये किडनी स्टोन्स की समस्याओं से आपको बचाता है, ठीक है? नाउ सेकेंडली, आपको और क्या फायदा होता है इससे? आपके यूरिनरी फंक्शन को मदद करता है ये, यानी कि आपके बॉडी में जितना यूरिन पैदा होता है उतना ही निकल भी जाता है। ऐसा नहीं कि आप जमा करके रख रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है कि यूरिन ठीक से निकल नहीं पाता है, तो उन पेशेंट्स को भी आप ये दे सकते हो, ठीक है? और इसीलिए वो नॉर्मल बैलेंस रखता है बॉडी में फ्लूइड्स का और इलेक्ट्रोलाइट्स का। ये किडनी के ऊपर जितना भी लोड होता है उस लोड को कम करता है ये, ठीक है? किडनी केयर कैप्सूल जो है वो आपके किडनी पे अननेसेसरी लोड नहीं होने देता है। कि मान लो अगर आपने किसी दिन प्रोटीन ज्यादा खा लिया,
एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, प्रोटीन किसी दिन ज्यादा खा लिया, अंडा या डेयरी प्रोडक्ट्स या कोई भी प्रोटीन वाली चीजें, प्रोटीन पाउडर अगर आप लेते हो, आप अगर कुछ लोग आप अगर जिम करते हो है ना, जिम में वर्कआउट करते हो, अगर आप प्रोटीन पाउडर लेते हो, बहुत सालों से लेते आ रहे हो, तो भी आप ये ले सकते हो, बिकॉज ये चीज आपकी किडनी, एक्सेस प्रोटीन आपकी किडनी पे असर करता है. ओके, तो उसको अगर आपको बचाए रखना है, पर खास करके ये प्रोडक्ट उनके लिए है जिनको किडनी की कोई भी समस्या है. अगर किडनी की कोई समस्या अभी तक डिटेक्ट नहीं हुई है तो लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए दूसरा प्रोडक्ट है जो नेक्स्ट मैं बताऊंगी आपको. ठीक है, ओके. इन्फेक्शन किडनी में अगर हुआ है आपको, नेफ्राइटिस नाम का एक कंडीशन होता है जिसका मतलब है किडनी का इन्फेक्शन. ओके, अगर पेन होता है यूरेथ्रा में, जहां से आप यूरिन पास करते हो या जो भी आपका एक्सटर्नल ऑर्गन है, अगर वहां पे पेन होता है आपको इंटरनली, तो आप ये किडनी केयर ले सकते हो. ओके, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है पुनर्नवा एक्सट्रैक्ट. अब ये समझ लीजिए, पुनर्नवा नाम का जो हर्ब है, जो आगे भी मैं बात करूंगी, इट इज द बेस्ट फॉर किडनी प्रॉब्लम्स. और कहीं ना कहीं वो लिवर के लिए भी थोड़ा बहुत काम करता है, बट मेन इसका किडनी स्टोन कम करने का काम है. ओके, पाषाणवेद, गोक्षुरा, पलाश, जीरा, वरुण कुल्था, सानदेवी, ये सारे हर्ब्स है, जड़ी बूटियां हैं, इसमें मंजिष्ठा है, ये सारी आपके बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स निकालने का काम करते हैं और आपकी किडनीज को हेल्दी रखने में मदद करते हैं. ठीक है, इसको लेना कैसे है, इसको एक कैप्सूल आप, अगर आप कोई भी किडनी के प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या हो सकता है. किडनी स्टोन, ओके, किडनी स्टोन के पेशेंट्स ले सकते हैं. नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम का एक प्रॉब्लम होता है जहां पे ज्यादा प्रोटीन होने की वजह से किडनीज पे लोड आता है. हाँ, अगर आपके डायग्नोसिस में, अगर आपको डॉक्टर ने ये डायग्नोस किया है नेफ्रोटिक सिंड्रोम से, आपके फाइल में लिखा है कहीं पर, मान लो अगर कभी गए आप डॉक्टर के पास, आपके फाइल में उन्होंने नेफ्रोटिक सिंड्रोम लिखा है, तो आप ये ले सकते हो. आपको अगर नेफ्राइटिस है, यानी कि इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन है किडनी में, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, तो वो भी आप इसमें ले सकते हो. किडनी का कोई भी अगर पोर्शन थोड़ा सा इनएक्टिव भी है, इनएक्टिव किडनी से ज्यादा यूरिन फॉर्म नहीं हो रहा है, तो भी आप ये ले सकते हो. ठीक है, और अगर किडनी में सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज कहते हैं उसको, पीसीकेडी कहते हैं, तो पीसीकेडी में भी आप ले सकते हो. पीसीओडी के साथ उसको कंफ्यूज नहीं करना है गाइस. ओके, पीसीओडी एक दूसरा कंडीशन है, पीसीकेडी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज. ओके, तो इसको दिन में एक बार लेना है, दो बार, सॉरी एक कैप्सूल लेना है दो बार, एक सुबह एक शाम. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट इज टैबलेट की श्रेणी में देखते हैं कि टैबलेट की श्रेणी में क्या है हमारे पास. ओके, वी हैव टॉक्स प्लस. अब टॉक्स प्लस क्या करता है, जैसा नाम है इसका, टॉक्सिन्स निकालता है बॉडी से. इसके अंदर की जो जड़ी बूटियां हैं वो किडनीज को हेल्दी रखती है और सारे टॉक्सिन्स निकालने में मदद करती है. क्यों? क्योंकि ये फ्री रेडिकल डैमेज से आपको बचाता है. तो जो भी फ्री रेडिकल डैमेज आपको खाने पीने से हो रहा है, केमिकल एक्सपोजर से हो रहा है, पेस्टिसाइड एक्सपोजर से हो रहा है, मैंने कहा ना टॉक्सिन्स बहुत सारे रूप में आ सकते हैं बॉडी के अंदर, है ना, तो केमिकल के रूप में भी आ सकते हैं, आपके खाने के थ्रू भी आ सकते हैं. तो वो फ्री रेडिकल्स को आपको बचाने के लिए टॉक्स प्लस का इस्तेमाल करें. ये कोई भी ले सकता है. ये किडनी के पेशेंट्स भी ले सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ किडनी हेल्दी भी रखनी है, डिटॉक्सिफाई करना है, आप ये ले सकते हैं. 2 मंथ्स 3 मंथ्स तक लीजिए आप इसको, थोड़ा सा 1 महीने का ब्रेक भी दे सकते हो, एंड देन स्टार्ट अगेन. ओके, इसके इंग्रेडिएंट्स है मेथी फाइबर, फेनुग्रीक फाइबर यानी मेथी, और नीम के पत्ती. कुटकी नाम का एक हर्ब आता है, वो कुटकी किडनी स्पेशलिस्ट है. ओके, लैक्टोबैसिलस स्पोरोजेन्स नाम के हेल्दी बैक्टीरिया है इसके अंदर, और पेपरमिंट ऑयल है. ये सारी चीजें आपके किडनी के टॉक्सिन्स को हटाती है. कुटकी जो मैंने आपको जिक्र किया खास करके, वो टॉक्स प्लस का एक खास एक हाईलाइट है. वो नेफ्रो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज. व्हाट इज नेफ्रो प्रोटेक्टिव? प्रोटेक्टिव यानी कि बचाता है, नेफ्रो यानी कि किडनी से रिलेटेड. ओके, सो किडनी को बचाता है कुटकी. ठीक है, ओके.
इसको कितनी बार लेना है? सेम डोज है, एक कैप्सूल दिन में दो बार, एक सुबह एक शाम, ठीक है। नेक्स्ट टैबलेट्स की श्रेणी में देखते हैं यूरिक एसी। अब जिनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जब आप किडनी प्रोफाइल कराते हो, जब आप ब्लड टेस्ट के लिए जाते हो, जब आप किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हो या रीनल फंक्शन टेस्ट कराते हो, दोनों एक ही है, ओके। रीनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट एक ही है, जब आप कराते हो तब आपको अगर यूरिक एसिड हाई आता है ब्लड में, तब आप ये ले सकते हो यूरिक एसी कैप्सूल, सॉरी टैबलेट्स। ये आपके बॉडी में यूरिक एसिड फॉर्म होने में मदद, कंट्रोल करने में मदद करता है, ओके। और इसी के कारण आपका यूरिक एसिड आप कंट्रोल कर पाओगे। और प्यूरिन्स क्या होता है? जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है। प्रोटीन जब आप खाते हो, दही खाते हो, दूध खाते हो, चीज खाते हो, अंडा, मछली, मीट, जो भी आप खाते हो, एंड में क्या बचता है आपके बॉडी में? वो है ये प्यूरिन्स। और ये प्यूरिन्स जब एक्स्ट्रा हो जाते हैं बॉडी के अंदर एक्सेस प्रोटीन खाने की वजह से, खास करके ये एनिमल प्रोटीन में ज्यादा बनता है। प्लांट प्रोटीन से इतना प्यूरिन आपको नहीं मिलेगा जितना आपको एनिमल प्रोटीन से मिलेगा। आप समझ रहे हो ना, एनिमल प्रोटीन जब मैं कह रही हूं तो इसका मतलब क्या है? जो प्रोटीन आपको एनिमल के फूड प्रोडक्ट से मिल रहा है। एनिमल फूड प्रोडक्ट्स कौन कौन से है? दूध है, दही है, जो जो आपको एक एनिमल से मिलते हैं, दूध, दूध के सारे प्रोडक्ट्स, दही, पनीर, चीज वगैरह, अंडा, मछली, मीट, क्रैब्स, फिश, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो ये सारी चीजें अगर खा रहे हैं तो उनके बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना एक वेजिटेरियन से ज्यादा बढ़ जाती है, ओके। सो प्यूरिन्स अगर ज्यादा हो गए बॉडी के अंदर तो वो थोड़ा नुकसान कर सकता है किडनी को, क्योंकि वो आपका यूरिक एसिड बढ़ा सकता है। तो अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन है और आप बहुत ज्यादा खाते हो हफ्ते में, आप एक कंट्रोल भी कर सकते हो उसका फ्रीक्वेंसी, एंड सेकेंडली आप यूरिक एसिड टैबलेट्स भी ले सकते हो, ठीक है, ओके। कैल्शियम कार्बोनेट स्टिमुलेट करता है, तो आपके बॉडी में एसिड बेस बैलेंस कंट्रोल करता है ये। सो कैल्शियम के लेवल्स को मेंटेन रखता है और एसिड, ज्यादा एसिडिक नहीं होने देता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल होगा गाइस, आज का टॉपिक ही थोड़ा ऐसा है कि क्या करे, वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। हाँ, मैं जब पढ़ रही थी कॉलेज में तब मेरे भी ऊपर ही जाता था, बट ठीक है, आपको मैं जितना कोशिश कर रही हूँ एकदम सिंपल वे में समझाने के लिए, ठीक है, ओके। तो न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी आपकी बॉडी में, ठीक है। अगर ज्यादा एसिडिक हो गई बॉडी तो उसको अल्कलाइन करने में मदद करेगा ये, और उस हिसाब से, उस वे से आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ने देगा ये, ठीक है। यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है, क्रिस्टल्स होने से रोकता है। क्रिस्टल्स क्या होते हैं? ये आपकी उंगलियां हैं, ठीक है, इसके जो जॉइंट्स है वहां पर टच करिए आपके जॉइंट्स को। हाँ, दर्द हो रहा है आपको? हाँ, अगर दर्द हो रहा है तो आप प्लीज यूरिक एसिड चेक करें। बहुत जोर से करेंगे तो होगा ही दर्द, बट नॉर्मली अगर आप कर रहे हो, अगर आपको दर्द हो रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स देयर इज एन इन्फ्लेमेशन इन योर जॉइंट्स, इन योर स्मॉलर जॉइंट्स, ठीक है। तो छोटे जॉइंट्स के दर्द को यूरिक एसिड के इसमें कहा जा सकता है कि हो सकता है आपको, राइट, ओके। देन तो ये जो दर्द है आपको, वो क्रिस्टल्स जमा होने के कारण हो रहा है आपका। जब आपकी यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं यहाँ पे, तब आपको इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। यूरिन को डाइल्यूट रखने में मदद करता है, यानी कि ज्यादा गाढ़ा नहीं होता यूरिन, और उसी से फिर आगे स्टोन्स की समस्या भी आप कम कर सकते हो। फ्री रेडिकल से बचाता है आपको, इसके अंदर है टार्ट चेरी, ब्रोमिलेन, कर्क्यूमा लौंगा एंड सेलरी सीड। ये सारी चीजें आपको, ये देखिए हर्बल है, ये सारी चीजें, चेरीज का एक्सट्रैक्ट है, पाइनएप्पल का एक एंजाइम है ये ब्रोमेलिन, पाइनएप्पल से मिलता है, कर्क्यूमा लौंगा यानी हल्दी एंड सेलरी सीड यानी कि अजवाइन के दाने, ठीक है, ओके। इसको भी लेना है, दिन में दो बार आप ले सकते हो, जिनको यूरिक एसिड की समस्या है या जिनका नॉनवेज इनटेक बहुत ज्यादा है। 1 month तक आप इसको लीजिए, 15 tablets है, ओके, सो दो पैकेट्स आप ले सकते हैं इसके, ठीक है, 1 month चलेंगे आपको दो पैकेट्स, ओके। हर्बल टैबलेट्स में देखते हैं क्या है। सो वी हैव पुनर्नवा, जैसे मैंने कहा पुनर्नवा सॉल्यूशन है किडनी प्रॉब्लम्स का,
ठीक है, एक ऐसी एकमात्र जड़ी बूटी है जो किडनी के सारे प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती है। ओके, पुनर्नवा का मतलब है समथिंग दैट रिन्यूज और रिप्लेनिशेस। पुनर यानी कि फिर से, नवा यानी कि नया बनाता है, तो फिर से नया बनाता है ये। क्यों? क्योंकि ये सारे सेल्स को जीवित करता है, सारे सेल्स को एक्टिवेट करता है, रिजुविनेट करता है, किडनी स्टोन के प्रॉब्लम्स में आपको राहत देता है, यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल्स कम करता है। क्रिएटिनिन क्या है और यूरिया क्या है, ये दोनों आपके यूरिनरी मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट्स है, मतलब ये निकल जाने चाहिए, पर ब्लड में अगर ज्यादा होता है ये दोनों, तो किडनी की समस्या खड़ी कर सकता है। तो इसीलिए पुनर्नवा टैबलेट्स आप उनको दीजिए जिनको कभी कोई क्रिएटिनिन ज्यादा आया है ब्लड सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट में, या यूरिया जो है ज्यादा आया है। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मैंने कहा ना कि जो प्रोटीन ज्यादा हो जाता है, आप ज्यादा प्रोटीन लेते हो, नॉन वेजिटेरियन हो, तो आप भी ये पुनर्नवा टैबलेट ले सकते हो, किडनी को हेल्थी रखेगा। जिनको बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, पर अगर आपकी किडनी की वजह से आपको स्वेलिंग हो रही है, आपको डॉक्टर ने बोला हुआ है, तब आप पुनर्नवा टैबलेट लीजिए। सारे टॉक्सिन्स निकालता है और न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स मिनरल्स को लूज किए बिना आप सारे टॉक्सिन्स को निकालता है ये। ठीक है, दिन में एक टैबलेट दो बारी खाना खाने से आधा घंटा पहले लेना है पुनर्नवा। ठीक है, जिनको ये सारी समस्या है, किडनी स्टोन, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, हाँ, किडनी स्टोन, यूरिया बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, एडिमा है यानी वाटर रिटेंशन। ओके, ये सारी चीजों के लिए पुनर्नवा काम करता है। ओके, सिरप में देख लेते हैं, स्टोन क्लियर सिरप। ओके, आपको पथरी की समस्या है, ये बेस्ट सोल्यूशन है अगर आपको सिरप लेना है। रीनल स्टोन्स जो पथरी है उसको छोटा 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 करके बाहर निकालता है। ओके, ताकि आपको यूरिन पास करते वक्त अगर बड़ा स्टोन है तो पेन ना हो, क्योंकि बहुत पेन भी होता है किसी किसी को जिनका स्टोन कुछ एमएम से ज्यादा बड़ा होता है, राइट। ओके, इन्फेक्शन से आपको बचाता है। सो यूरिन इन्फेक्शन ज्यादा करके महिलाओं में होता है, तो आप अगर आपको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो आप स्टोन क्लियर सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर हाँ उसके साथ पानी का इंटेक ज्यादा रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो स्टोन्स को साफ करता है, इसके अंदर गोक्षरा बीज, इसके अंदर पुनर्नवा रूट भी है, ये देखिए यहाँ पे, इसके अंदर शिलाजित है, ये दारु हरिद्र है, राइट, पाषाण भेद फ्रूट है, काकरी बीज है, ये सारे सारे हर्ब्स है, लाजाड़ू है। ओके, ये सारे आपके टॉक्सिन्स और यूरिनरी किडनी स्टोन्स को हेल्प करने में मदद करता है, इन्फेक्शन होने में मदद करता है, स्पेशली ये कहाँ गया, ये लाजाड़ू। ओके, इसको 10 ml जितना लेना है दिन में दो बार गुनगुने पानी के साथ। ओके, आप चलिए चैट बॉक्स ओपन कर रही हूं मैं। इज एवरीबडी विथ मी आपके क्वेश्चंस लास्ट तक रखिए ना, वनीता जी, केशतो जी, नहीं तो गुम हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस। क्वेश्चंस मैं एंड में ही लेने वाली हूँ, वैसे भी क्वेश्चंस एंड तक रखिए, कहीं पे लिख के रखिए आप। ओके, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा भारी नहीं हो रहा ना ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये थोड़ा सा क्लिनिकल है इसके लिए। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। ओके, तो ये था आपका किडनी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स थे। एक लास्ट बचता है, वो है जूस। ओके, और वो है एलोवेरा अश्वगंधा जूस। एलोवेरा और अश्वगंधा का जो कॉम्बिनेशन है वो किडनी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है, यूटीआई कहते हैं उसको, तो यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है बार बार, वो ये ले सकते हैं एज अ सप्लीमेंट्री, एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है आपके, ये आपको बचाएगा इन्फेक्शन से। किडनी स्टोन होता है बार बार, गॉल ब्लैडर के, पित्ताशय के भी पथरी होती है अगर आपको, गॉल ब्लैडर, ज्यादा पित्त बढ़ने के कारण भी पथरियां होती है, और ये अश्वगंधा खास करके एलोवेरा के साथ जब मिलता है तो इसके दोनों के गुण मिलके आपको ये तीनों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं आपकी। ठीक है,
बॉडी के अंदर का जितना भी कचरा है वो निकालते हैं, इंटेस्टाइन को भी साफ करता है ये। ओके 15 ml लेना है दिन में 2 बार, एक सुबह एक शाम, गुनगुने पानी के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे ऑर्गन के बारे में, लिवर। इसका नाम ही है जो इसके काम को बताता है, लिवर। आपको जो यू नो, जो आपके डेली प्रोसेसेस, डे टू डे जो आपकी बॉडी का काम है, जो भी आपने खाना खाया है उसको प्रोसेस करना है ना, तो वो कौन करता है? आपका डाइजेशन वगैरह होने के बाद, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, ये डायरेक्टली जाता है लिवर में। ठीक है, जो कचरा रह जाता है वो जाता है इंटेस्टाइन में। तो ये हमारा नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम है, राइट। अब लिवर की अगर बात करूं तो ये होता है राइट इन साइड में, आपके आपका जो रिब केज है ठीक उसके नीचे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में होता है लिवर, जस्ट आपके इंटेस्टाइन और पेट के थोड़ा ऊपर होता है। ओके और राइट किडनी के ऊपर होता है। ओके इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। देखिए कितने सारे फंक्शंस निभाता है ये आपके बॉडी में बाइल बनाता है। व्हाट इज बाइल? पित्त। बाइल नाम का एक पदार्थ पैदा होता है जो फैट को डाइजेस्ट करता है। आप जितना भी फैट कंज्यूम करते हो वो कौन डाइजेस्ट करता है? बाइल। तो ये पित्त जो होता है वो आपका लिवर जो है बनाता है और सिक्रीट करता है। ठीक है, बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, हॉर्मोन्स, ड्रग्स, ये सारी चीजों का ये एक्सक्रीशन करता है। तो जो नहीं चाहिए वो निकालता है ये। ठीक है, हॉर्मोन्स मेटाबॉलिज्म करने में मदद करता है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो आप खाने से ले रहे हो उनका मेटाबॉलिज्म करता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। ग्लाइकोजन क्या होता है? जब आप कोई भी ग्लूकोज वाला प्रोडक्ट लेते हो वो जब ज्यादा हो जाता है तो वो लिवर के अंदर चला जाता है और वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, अभी अगर आपके पास मान लो इसको मैं अगर आपको किस तरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ। जब आप कोई भी चीज ज्यादा रखते हो घर में, है ना, मान लो आपने कुछ खाना, आपने राशन मंगाया है, ठीक है, और राशन आपने मंगाया है और आपको पता है कि अब लॉकडाउन होने वाला है। हमने ये सारी सभी ने देखा है ना ये सिचुएशन 2 साल पहले, तो आपको पता है लॉकडाउन होने वाला है, कर्फ्यू लगने वाला है, दुकानें चालू नहीं रहेंगी, तो सारा सामान हम एक साथ ले लेते हैं ज्यादा मात्रा में और उसको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो ये लिवर भी यही करता है। तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो आ जाता है आपके ब्लड में वो कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन के रूप में। तो ये ग्लूकोज ही है पर ये जब स्टोरेज फॉर्म में हो जाता है तो वो ये हो जाता है ग्लाइकोजन। समझ में आया? तो ग्लाइकोजन क्या है? बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर आपका लिवर ठीक से काम, ध्यान से सुनिए, अगर आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आपका ब्लड शुगर जो एक्स्ट्रा हो गया है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा और आपके ब्लड में ही रहेगा। ब्लड में रहेगा तो कौन सी बीमारी होती है? अगर ये बहुत बारी तक रहा ब्लड में, कौन सी बीमारी होती है जब ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है ब्लड में? चैट बॉक्स गाइज, क्या हो गया? सब सो गए क्या? डायबिटीज, वेरी गुड आयशा जी, थैंक यू फॉर बीइंग द फर्स्ट वन टू राइट दैट। यस, शुगर और डायबिटीज, वेरी गुड। सो डायबिटीज, अगर आपको, आप मरीज हो डायबिटीज के, आपको लिवर का तो खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में ज्यादा शुगर किसी दिन हो गया तो एक्स्ट्रा जो होता है वो स्टोर हो जाता है आपके लिवर में। तो लिवर अच्छा तो डायबिटीज भी कंट्रोल में रहेगा आपका। ठीक है, ओके। नाउ विटामिन्स एंड मिनरल्स को भी स्टोर करता है ये, आयन स्टोरेज में भी काम करता है लिवर। प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाता है, एल्ब्यूमिन और क्लॉटिंग फैक्टर्स। जब आपको खून निकलता है तो जल्दी जल्दी से वो खून जम जाता है, राइट? नहीं तो क्या होगा? अगर जमेगा नहीं तो बहते जाएगा खून, बहते जाएगा, तो वो क्लॉटिंग फैक्टर बनाने की बहुत जरूरत होती है, वो लिवर बनाता है। ठीक है, और ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है और प्योरीफाई करता है। ये कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है सोचिए, तो हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं ना, एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड कि कुछ नहीं होगा, दो पैग मार लूंगा तो कुछ नहीं होगा लिवर को, है ना, तो हम उसको अब्यूज करते हैं।
है ना, ये थोड़ा सा एक आई ओपनर है जो आप अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो प्लीज कंट्रोल में करिए, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन आपका, जो भी एक्स्ट्रा जो भी मेन प्रोसेसेस है सब इसी के थ्रू होकर गुजरते हैं, राइट? ओके, तो लेट्स सी व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट SHPL हैज फॉर अ हेल्दी लिवर, और हम नेचर की पावर लेकर आए हैं आपके प्रति ये कैप्सूल्स के जरिए. तो सबसे पहले जिनको भी लिवर की प्रॉब्लम्स है ऑलरेडी, लिवर की कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपने सुनी है, एक दो बताएं, मैं आपको बताती हूँ. और हेपेटाइटिस सुना है आपने, हेपेटाइटिस, फैटी लिवर, राइट? किसी ने पूछा है आप सवाल, मुझे पता नहीं क्यों अभी आप पूछ रहे हो, मैं सवाल पे ध्यान भी नहीं दूंगी क्योंकि अभी मैं कंडक्ट कर रही हूँ सेशन. फैटी लिवर के लिए क्या खाना होगा, तो आप सुनिए ना, आप रुकिए और सुनिए क्या बोल रही हूँ मैं, आएगा आगे, ठीक है? हाँ, तो लिवर फैट हो जाता है, यस, सो दैट इज फैटी लिवर. लिवर इन्फेक्शन होता है, यस. देर इज हेपेटाइटिस, देर इज जॉन्डिस, ओके. और क्या होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी होता है, जो अल्कोहल नहीं लेता उनके केस में भी फैटी लिवर होता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इससे होता है. फिर सिरोसिस नाम का एक बीमारी होती है. सिरोसिस क्या है, आपका लिवर सड़ने लगता है, ओके, सो दैट इज सिरोसिस, ठीक है? ऐसी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है लिवर के, खास करके ये हेपेटाइटिस इज वेरी कॉमन एंड फैटी लिवर इज वेरी कॉमन, ठीक है? और खास करके अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो फैटी लिवर होने की संभावना बढ़ जाती है आपकी. मेटाबॉलिक सिंड्रोम, फैटी लीवर, ये सारी चीजें एक मेक से जुड़ी हुई है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज, हाँ, सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैप्सूल्स में आप कौन सा ले सकते हो अगर आपको कोई भी लिवर की समस्याएं हैं, ठीक है? तो अगर आपके लिवर सेल्स डिप्लीट हो रहे हैं, यानी कि क्या कहते हैं उसको, धीरे 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 करके कम हो रहा है और लिवर खराब हो रहा है, आपने लिवर फंक्शन टेस्ट कराया, ये टेस्ट का नाम है जिसका नाम है लिवर फंक्शन टेस्ट, ओके? और अगर आपका SGPT हाई आता है, आई थिंक देयर वाज अ क्वेश्चन बहुत पहले मैंने कोई सेशन किया था जिसमें एक क्वेश्चन आया था कि मैम SGPT हाई है, SGOT हाई रहता है तो क्या करना चाहिए. अगर आपका SGPT एंजाइम हाई है और SGOT एंजाइम हाई है, ये दोनों लिवर एंजाइम्स कहलाते हैं, और अगर आपको लिवर को हेल्दी रखना है तो आपको इन दोनों का टेस्ट साल में एक बार कराना जरूरी है. एनीबडी अबव द एज ऑफ 30 और एनीबडी हु इज अ रेगुलर अल्कोहल ड्रिंकर, ठीक है? अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो खास करके कराएं, 6-7 महीने में एक बार करा ही लेंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट नाम है इसका, ठीक है? तो SGOT और SGPT को कम करने में मदद करता है लिवम केयर, बिकॉज ये नए सेल्स बनाता है. यहाँ पे देखिए, ये है ना, वन सेकेंड, प्रमोट्स द रीजेनरेशन ऑफ लिवर सेल्स, ठीक है? फंक्शनल एफिकेसी ऑफ द लिवर, यानी कि उसका जो कार्य क्षमता है लिवर की, जो मैंने अभी आपको इतने सारे फंक्शंस बताए है ना, वो सारी चीजों में मदद करता है. और हेपेटिक पेरेन्काइमा क्या है, ये सेल्स जो कम होते जाते हैं, आपके सेल्स डाई होते मरते जाते हैं, उससे प्रोटेक्ट करता है आपको. हेपेटिक पेरेन्काइमा इज बेसिकली द लेयर ऑफ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, ओके? नाउ हेपेटाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन लिवर का, हेपेटिक का मतलब भी लिवर होता है, ओके? जैसे रीनल मतलब किडनी और हेपेटिक मतलब लिवर, ओके? तो दिस इज वेरी वेरी बेनिफिशियल जिनको भी हेपेटाइटिस और जॉन्डिस की समस्या है, ठीक है? ये टॉक्सिन्स निकालता है लिवर से, और अगर अल्कोहल की वजह से आपको लिवर डैमेज हुआ है तो उससे भी आप थोड़ा सा रिकवर हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कौन से स्टेज पे हो आप, ठीक है? अच्छा, अब सिरोसिस का नाम लिया था मैंने, राइट? जो लिवर सड़ने लगता है, इट इज मेनली ड्यू टू आइदर स्मोकिंग, अगर आप स्मोकर है तो ये हो सकता है आपको, या आप अल्कोहल ज्यादा लेते हैं तो ये हो सकता है, ठीक है? तो ये जो है सिरोसिस, अगर ये शुरू हुआ है या शुरू होने से पहले, आप कब को पता है आप ज्यादा अल्कोहल लेते हो, तो ये आप लिवम केयर कैप्सूल्स ले सकते हो ताकि ये ना हो आपको, ओके? और फर्दर लिवर डैमेज भी रोक सकते हो आप. सरपंखो नाम का एक हर्ब है जो इसके अंदर आपको मिलेगा, ओके? बहुत सारे प्रोडक्ट्स आगे भी है लिवर के जिसमें सरपंखो देखेंगे आप. इट्स अ लिवर हर्ब, ओके? बाला सीड्स है, वो भी एक लिवर हर्ब है. एलोवेरा यानी घृतकुमारी भी एक लिवर प्रोटेक्टिव एजेंट है. कुटकी का छाल है इसमें, जो कुटकी हमने किडनी डिजीज में देखा था,
राइट, दारू हरिद्र है जो सेल मेम्ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करता है। दारू हरिद्र का काम है कि आपके जो सेल्स है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और इसमें भृंगराज भी है वैसे। ओके, दो बारी लेना है, एक कैप्सूल दिन में दो बार, एक सवेरे एक शाम को, गुनगुने पानी के साथ लीजिए, ज्यादा अब्सॉर्ब होगा अच्छे से। ओके, कैप्सूल्स के रूप में कौन से हैं? दो, एक है एक्टिव डुओ, एक्टिव डुओ नाम का एक कैप्सूल है जो आपको डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, नए सेल्स बनाता है, टिश्यूज बनाता है, लिवर की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसके अंदर है डुओ है, यानी कि दो है, एक्टिव डुओ नाम ही इसका वो है। ये दो मेन है इसमें, ग्रेप एक्सट्रैक्ट, एप्पल एक्सट्रैक्ट। ओके, सो द्राक्ष का एक्सट्रैक्ट और सेब का एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर। इसके अंदर और भी हर्ब्स है, असाई बेरी एक्सट्रैक्ट है जो एक एंटीऑक्सीडेंट है, ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, आर्गन प्रोटेक्ट करता है लिवर के सेल्स को। ओके, तो आप लिख सकते हो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। डोंकॉय इंडियन फीमेल जिनसेंग है, ये जिनसेंग का ही एक वैरायटी है डोंकॉय। ये सारी चीजें लिवर को प्रोटेक्ट करती है। पाइलोगोनम मल्टीफोरम नाम का एक हर्ब है, ठीक है। ये दिन में दो बार लेना है जिनको लिवर की प्रॉब्लम्स नहीं है पर सिर्फ लिवर को हेल्दी और प्रोटेक्टेड रखना है, वो ये ले सकते हैं। आप समझ में समझ रहे हो ना, मैं इसीलिए दो प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ, एक जिनको प्रॉब्लम ऑलरेडी है वो क्या ले और जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो क्या ले, ठीक है। ओके, ग्रेट। जॉन्डिस है वंदना जी, ठीक है, आपने सुना ही होगा मैंने कौन सा बताया था, लिवम केयर देना है आपको, ठीक है। प्लीज मुझे रिपीटेटिव क्वेश्चंस मत पूछिए, मैं इसीलिए स्लो जा रही हूँ। आप लोग में से कुछ सोचते भी होंगे कि रिद्धि मैम इतना स्लो क्यों जा रही है, क्योंकि मैं सभी के लेवल के हिसाब से आना चाहती हूँ। शायद आपको थोड़ा टाइम लग रहा हो समझने में इसलिए मैं स्लो जा रही हूँ, पर अगर आप मुझे वापस वही सवाल पूछोगे तो फिर ये एक घंटे या दो घंटे चलेगा ये सेशन, है ना। चलिए क्लासिक हर्बल टैबलेट्स के बारे में बात करते हैं। जामुन, एक है जामुन जो आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, आपको लिवर को प्रोटेक्ट करता है, हेपेटो प्रोटेक्टिव यानी कि लिवर को प्रोटेक्ट करता है इंजरी से, इंफेक्शन से, डैमेज से, फैटी लिवर से, ये सारी चीजों से, ठीक है। और लिवर के नए सेल्स बनाने में मदद करता है। तो एक टैबलेट आप ले सकते हो दिन में, दो बार भी ले सकते हो, एक बार भी ले सकते हो। अगर आप एक्टिव डुओ ले रहे हो या आप लिवम केयर ले रहे हो तो आप ये एक बार कर दीजिए, ठीक है, खाना खाने के 15 से 30 मिनट बाद। तो ये खाने के बाद ली जाने वाली टैबलेट है। चलिए दूसरा देखते हैं क्या है, त्रिफला। आपने देखा होगा ना मेरे ऑलमोस्ट हर प्रेजेंटेशन में आपने देखा होगा त्रिफला रहता ही है। ये इतना परिपूर्ण प्रोडक्ट है ना, त्रिफला और एलोवेरा, ये दो चीजें इतने परिपूर्ण है, इसमें सारी खूबियां हैं। ओके, इट्स अ कंप्लीट हर्ब, ठीक है, त्रिफला। ओके, तो त्रिफला, अगर जहां पे त्रिफला का जिक्र आया वहां पे समझ जाना चाहिए कि त्रिफला जो है वो कचरा साफ करने में मदद करता है ना, तो इसीलिए वो लिवर को भी साफ करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इसको डिटॉक्सिफाई करता है, जैसे मैंने कहा कचरा निकाल देता है, टॉक्सिन्स निकाल देता है लिवर के, ठीक है। पित्त को सीक्रेट करने में मदद करता है, पित्त जो है आपका जो लिवर के थ्रू निकलता है, सिक्रीट होता है, उसको बनने में मदद करता है, उसको सिक्रीट होने में मदद करता है। तो क्या होगा पित्त अच्छे से बनेगा, तो कोई बता सकता है क्या होगा जब पित्त आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पित्त पैदा होने में। पित्त दोष की बात नहीं कर रही हूं मैं, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, पित्त दोष दूसरा है, जब पित्त इम्बैलेंस होता है वो दूसरा है, वो उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। जब पित्त बनता है, अभी थोड़ी टाइम पहले मैंने बताया था कि बाइल का क्या काम है, कुछ डाइजेस्ट करने का काम है, क्या डाइजेस्ट करने का काम है। यस आयशा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड अ बिग राउंड, एक बार प्लीज जोर से ताली आनी चाहिए आयशा के लिए, बिकॉज मैं देख रही हूँ बहुत अच्छे से वो सीख रही है ये चीजें, है ना। बहुत 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 बधाई हो आयशा, taking efforts to learn this. Very good. Yes. And आप सभी को मैं कहना चाहूंगी इनफैक्ट कि yes, yes, absolutely. आप सभी को मैं कहना चाहूंगी कि ध्यान से सुनिए, तो अच्छे से याद रहेगा आपको, ठीक है।
ओके सो ये बाइल क्या करता है, फैट को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है. इसके अंदर रसायन प्रॉपर्टीज है, यानी रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टीज है, नए सेल्स बनाने की क्षमता है इसके अंदर. तो ये लिवर के सेल्स को भी बनाएगा. अगर आपको फैटी लिवर भी है तो भी आप त्रिफला ले सकते हो. अगर आपको हेपेटाइटिस है तो भी आप त्रिफला ले सकते हो. अगर आपको जॉन्डिस है तो भी आप त्रिफला ले सकते हो. ये आयुर्वेदिक है तो एब्सोल्युटली नो साइड इफेक्ट्स. ठीक है, इसको लेते हैं खाना खाने के आधा घंटा पहले. आप एक बारी लो या चाहे दो बारी लो, ज्यादा से ज्यादा दो बार लेना है दिन में. ओके बट एक बार भी आप ले सकते हो. अगर आप एक्टिव डुओ ले रहे हो तो एक बार एक्टिव डुओ ले लो, एक बार ये ले लो. ठीक है, चलिए सिरप की तरफ जाते हैं. सिरप कौन सा है? लिवजाइन, जैसा नाम है इसका. ओके लिवजाइन क्या करता है? जाइन यानी एंजाइम बनाता है. ओके तो लिवर एंजाइम, किसने मुझे लास्ट टाइम पूछा था? एसजीपीटी एसजीओटी. हाँ, जिनको है ये प्रॉब्लम वो समझ जाएंगे मैं क्या कह रही हूँ. ये एंजाइम्स जब ज्यादा बढ़ जाते हैं लिवर के अंदर तो प्रॉब्लम आती है लिवर के सेल्स के, मतलब उसका वो अपना काम नहीं कर पाता है जब एसजीओटी और एसजीपीटी बढ़ जाते हैं. ओके सो ये जो है सिरप वो एंजाइम्स को बैलेंस रखने में मदद करता है. गेटिंग इट? समझ में आ रहा है सभी को? मैं बहुत स्लो जा रही हूँ, प्लीज जिनको समझ में आ रहा है थोड़ा सा बेयर करें, बिकॉज जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके हित के लिए मैं थोड़ा सा स्लो जा रही हूँ. ठीक है, ये थोड़ा सा हैवी टॉपिक है इसके लिए. ओके सो लिवजाइम सिरप क्या करता है? लिवर के एंजाइम्स को ज्यादा स्टिमुलेट करता है. और एसजीओटी और एसजीपीटी नाम की जो बीमारी है, जो बीमारी नहीं कह सकते कंडीशन है, उसको कंट्रोल करने में मदद करता है. ठीक है, फाइब्रोसिस रोकता है. लिवर के सेल्स में भी फाइब्रोसिस होता है, यानी कि जो सेल्स जब ठीक से काम नहीं करते तो सिस्ट भी हो सकते हैं, तो उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं. और फाइब्रोसिस एक कंडीशन है जहां पे लिवर के सेल्स जो है वो एकदम जैसे डेड स्किन सेल्स कैसे होते हैं वैसे हो जाते हैं. सो वो रिएक्ट ही नहीं करते कोई चीज से. सो दैट्स फाइब्रोसिस. लिवर सेल्स को ग्रो करने में मदद करता है और लिवर की फंक्शंस को बढ़ाता है. ठीक है, लिवर का कोई एक फंक्शन बता सकता है? अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था. चलिए देखती हूँ मैं कितने लोग ध्यान दे रहे हैं. हाँ, पिक नहीं आ रहा है सभी को? तो आ रहा है ना, पिक्चर दिख रहा है ना? कौन सा पिक नहीं आ रहा है संजय जी? ओके हाँ, लिवर का कौन सा फंक्शन है? बाइल सिक्रीट करना. वेरी गुड आयशा, सुपर्ब. और क्या बताइए, जल्दी 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 मैं देखती हूँ कि कौन कौन ध्यान दे रहा है. और क्या काम है लिवर का? डाइजेशन नहीं है. डाइजेशन, खाना डाइजेस्ट, ठीक है एक तरह से डाइजेशन ही है, बट खाना डाइजेस्ट होके ही आता है लिवर में. एंजाइम को कम करता है? नहीं. मैं प्रोडक्ट के फंक्शंस की बात नहीं कर, मैं लिवर के फंक्शंस की बात करती हूँ. टॉक्सिन्स रिमूव करना, यस. एंजाइम्स एक्टिवेट करना. वेरी गुड मुदस्सिर, वेरी गुड, लवली, यस. और भी कुछ था ना डायबिटीज रिलेटेड? क्या था, क्या स्टोर करता है? गाइस तुम लोग भूल जाते हो क्या? पीछे का आगे पढ़ते हो, पीछे का भूल जाते हो. कौन सा, कौन किसको स्टोर करता है? शुगर, बट कौन से फॉर्म में स्टोर करता है? मैं लिख रही हूं आंसर, ग्लाइकोजन. ओके प्लीज कभी ना भूले. हाँ, तो अगर इम्प्रूविंग लिवर फंक्शन की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपने फंक्शंस यहाँ पे लिखे हैं वो सारे फंक्शंस को बनाए रखता है. ठीक है, ओके. सिरोसिस नहीं होने देता. ब्रिंगराज, शूर्पंखा, ये जो मैंने आपको शूर्पंखा के बारे में बताया था, अर्जुन की छाल, अश्वगंधा, कालमेघ, भूमि आंवला, दारू हल्दी, तुलसी, कासनी, गिलोय, त्रिफला, चित्र, सारे सारे हर्ब्स है इसके अंदर, मोस्टली जो भी लिवर के लिए क्लेंजिंग हर्ब्स है. ठीक है, कालमेघ इज वेरी गुड फॉर मेटाबॉलिज्म. ठीक है, इसको 15 ml लेना है दिन में दो बार गुनगुने पानी के साथ. ठीक है, ओके. जूस में बात कर लेते हैं. क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नाम का जो पदार्थ है जो प्लांट्स में पाया जाता है, क्लोरोफिल उनका खाना है. जैसे हमारा खाना होता है ना रोटी सब्जी दाल राइस, प्लांट्स का खाना क्या है? क्लोरोफिल.
तो वो क्लोरोफिल आपको किस तरह से मदद करता है, लिवर के लिए सारे टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन, सपोर्ट्स लिवर फंक्शन. तो जितने भी फंक्शंस आपने अभी बताए मुझे, मैंने जो आपको दिखाए थे, वो सारे लिवर के फंक्शंस को बनाए रखने में मदद करता है. तो अगर किसी को लिवर डिजीज नहीं चाहिए, क्लोरोफिल जूस स्टार्ट करिए. आपको भले अभी नहीं होगा प्रॉब्लम, आप हेल्दी हो, आपका लिवर भी हेल्दी है, पर अगर आपको उसको हेल्दी रखना है, खास करके अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो और स्मोकिंग भी करते हो, क्लोरोफिल जूस स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होने से बचाता है आपको. ओके, अगर किसी को NAFLD हो भी गया है, वो डिजीज क्या है, फैटी लिवर होता है. जो अल्कोहल नहीं लेते उनके केस में भी फैटी लिवर होता है. ठीक है, तो वो किस तरह से मदद करता है क्लोरोफिल, उसके अंदर ये तत्व है क्लोरोफिलिन, जो आपकी गट माइक्रोबायोम को बैलेंस करता है. यानी कि जो हेल्दी बैक्टीरिया है आपके इंटेस्टाइन्स में, हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं और अनहेल्दी बैक्टीरिया होते हैं. तो हेल्दी बैक्टीरिया जो होता है उसका बैलेंस बढ़ा देता, उसको उसकी मात्रा बढ़ाता है, अनहेल्दी बैक्टीरिया कम करता है. उससे आपका लिवर डिजीज को भी मदद मिलती है. ठीक है, दिन में 2 बार 15 ml गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं. स्टार्ट कर दीजिए क्लोरोफिल. अब हम लास्ट ऑर्गन पे आते हैं, जो है लंग्स, फेफड़े. ओके, तो फेफड़ों के हेल्थ के लिए हम क्या करेंगे. ओके, स्पेशली कोविड एज में बहुत जरूरी है रेस्पिरेटरी सिस्टम का ध्यान रखना. रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि आपके जो लंग्स है उसका एक हिस्सा है. ठीक है, ये भी एक जोड़ी में आते हैं, पैर में आते हैं, तो स्पॉन्जी होते हैं, यानी कि वो स्पॉन्ज की तरह सॉफ्ट होते हैं. एयर फिल्ड ऑर्गन, इसके अंदर हवा भरी हुई होती है. ओके, दोनों साइड पे एक एक होता है, एंड ये जाता है ट्रैकिया में. ओके, ये जो आप देख रहे हो, ये ट्रैकिया है, यहाँ पे जहां पे मेरा लेजर पॉइंटर है. ये ट्रैकिया फिर जाता है लंग्स के अंदर और ये खुलता है ब्रोंकाई में. ये ब्रोंकाई जो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है मैंने. ठीक है, तो ये आपका विंड पाइप है, यानी यहां से सांस अंदर जाती है, लंग्स के अंदर एंटर होके ये लंग है आपका. ठीक है, यहां से ब्रोंकाई में जाता है और फिर आपका जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का, वो इसका मेन काम है. ठीक है, देखते हैं मेन काम क्या है लंग्स का. लंग्स क्यों दिए भगवान ने हमें, क्यों दिए, सांस लेने के लिए. पर सांस लेने के लिए तो नाक काफी है ना, तो क्यों लंग्स चाहिए बताइए. क्योंकि गैस एक्सचेंज होना जरूरी है. क्या होना जरूरी है, बॉडी के अंदर गैस का अदली बदली होना जरूरी है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है जीने के लिए. क्या आपको लगता है बाहरी एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, नहीं. जितना हमें चाहिए, जितनी हमारी लंग कैपेसिटी है, वो हम जब सांस अंदर लेते हैं तब हमारे अंदर ऑक्सीजन जाता है. ऑक्सीजन का भी एक अलग फंक्शन है, खून के सेल्स बनाना, है ना. हीमोग्लोबिन इज नथिंग बट योर ऑक्सीजन, इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, इट्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड. तो हीमोग्लोबिन बढ़ाना, इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए. कितने सारे दूसरे प्रोसेसेस है जिसके लिए ऑक्सीजन चाहिए. तो ये सारी चीजें लंग्स का काम है. जब आप अंदर लेते हो ऑक्सीजन, तब एक गैस एक्सचेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है आपके बॉडी में, जो नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड, तो वो सांस निकालते हो आप, उससे बाहर निकल जाता है. अच्छा, मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछती हूँ. आप लोग में से कितने लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर हो जाए. चलो, कितने लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, वो सोडा वाले, सच सच बताना कितने लोग पीते हैं ऑलमोस्ट डेली. तुहिन जी, अच्छा, शायद आज के बाद आप कम कर दोगे, लेट्स सी. ओकेजनली, ओके. आपको पता है आप क्यों लेते हो सॉफ्ट ड्रिंक्स, क्या आपको पता है आप क्यों ले रहे हो, आपको अच्छा लगता है शायद, या आपको वो फिजीनेस अच्छा लगता है, वो बुलबुले आते हैं ना जो उसके अंदर, वो पीने में मजा आता है ना. द वर्स्ट प्रोडक्ट ऑन अर्थ, द वर्स्ट 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 प्रोडक्ट ऑन अर्थ इज अ कार्बोनेटेड बेवरेज. प्लास्टिक से भी बुरी चीज है ये. क्यों पता है, क्यों पता है आपको, क्योंकि आप अपने लंग्स के ऊपर दबाव डाल रहे हो.
कभी कभी मजबूरी में क्या होता है, मजबूरी में कौन सॉफ्ट ड्रिंक्स पीता है सुरेश जी? मैंने तो किसी को नहीं देखा मजबूरी में, कोई मजबूरी नहीं होती है। ओके, आपको अगर आपका खुद का ध्यान रखना है तो आप मजबूरी के परे हटो और अच्छा खाना पीना लो, ठीक है? ओके, सो हाँ, मैं ये कह रही थी कि सबसे वर्स्ट प्रोडक्ट होता है कार्बोनेटेड बेवरेज, क्योंकि आप अपने लंग्स के ऊपर ज्यादा लोड डाल रहे हो। क्यों? क्योंकि वो बेचारा कार्बन डाइऑक्साइड निकालने पे तुला है और आप कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहे हो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स के जरिए। अब आप मुझे बताओ कि आप अपना लंग्स का काम क्यों बढ़ा रहे हो? क्या आपको बहुत ज्यादा शौक है लंग डिजीज होने का, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने का? क्या आपको नहीं ध्यान रखना है अपने लंग्स का? रखना है ना, एक बॉडी मिली है यार, एक ही बॉडी के साथ जीना है, आपका डिसीजन है वो कि आपको बीमारी में जीना है जितना जीना है, या फिर आपको हेल्दी रह के जीना है, आपके ऑर्गन्स को ध्यान रख के जीना है कि नहीं? जो बेचारा पूरा दिन काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए, आप उसी को बोल रहे हो कि ले तू और कार्बन डाइऑक्साइड ले, ये गलत है। प्लीज स्टॉप दिस। ओके, कार्बोनेटेड बेवरेजेस आर द वर्स्ट प्रोडक्ट्स ऑन अर्थ। प्लास्टिक से भी गया गुजरा है ये सोच लीजिए आप, ठीक है? ओके, साउंड प्रोडक्शन जो मैं अब बोल रही हूँ वो मेरे लंग्स का भी एक काम है, बिकॉज वो पूरा सिस्टम ही वही है, ठीक है? ऑल्फैक्टरी असिस्टेंस यानी कि जो आपको खुशबू आप लेते हो वो लंग्स का काम है, कि क्योंकि आप नाक के जरिए जो लेते हो वो फिर सेंसरी ऑर्गन में कन्वर्ट होता है, ब्रेन तक सिग्नल जाता है, फिर आपको वो स्मेल का एहसास होता है, राइट? प्रोटेक्शन, लंग्स के अंदर म्यूकस प्रोडक्शन का काम करता है लंग्स। ओके, सो आपको बाहर का कचरा जो है वो म्यूकस में फंस जाता है तो आपके सिस्टम में नहीं जाता है। सीलिया यानी कि जो छोटे छोटे हेयर होते हैं वो अंदर भी, लंग्स के अंदर भी छोटे 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 सीलिया होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कचरा अंदर नहीं जाने देते, वहीं पे फिल्टर कर देते हैं। और कफिंग के थ्रू जब आपको खांसी आती है आप सारा कचरा निकालते हो बाहर, और माइक्रोब्स और बैक्टीरिया वगैरह निकालते हो, तो ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है। समझ में आया? ठीक है, तो आज के बाद कौन पिएगा कार्बोनेटेड बेवरेजेस और कौन नहीं पिएगा? या ओके, चलो वो आप अपने ऊपर, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आज के बाद आपने कार्बोनेटेड बेवरेज को हाथ नहीं लगाया तो मैं समझूंगी कि मेरा ये ट्रेनिंग सक्षम हुआ है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लंग्स के लिए क्या है प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। कैप्सूल्स में सबसे पहले आएगा आपका एस्थमा केयर। जिनको एस्थमा की समस्या है यहाँ पर वो ये कैप्सूल्स ले सकते हैं। हाँ, पर जिनको ज्यादा कफ कोल्ड स्नीजिंग भी रहता है और जिनको लगता है कभी कभी सांस अटक रही है या ये दे आर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, वो ये ले सकते हैं। ये आपके लंग्स के लिए बहुत हेल्दी है। ओके, इसके अंदर जो हर्ब्स है वो आपके छाती के अंदर जो टाइटनेस कभी अगर आपको महसूस होती है, टाइटनेस इन द चेस्ट, उसको कम करने में मदद करता है। ब्रेथ को नॉर्मल, आपको पता है लंग कैपेसिटी हमारी कितनी ज्यादा है और हम कितना कम सांस लेते हैं, तो जब भी आपको समय मिले पूरे दिन में, हाँ जब भी समय मिले 5 मिनट 10 मिनट, हमने योगा डे पे भी किया था ये, जिन्होंने योगा डे वाला सेशन अटेंड किया था, लंबी सांस ले एकदम, जब तक जहां तक आप अपने लंग्स को एक्सपैंड कर सकते हो उतना लंबी सांस ले और फिर सांस छोड़े। ये 5 मिनट भी करेंगे दिन में आप अपनी लंग्स को मजबूत रखेंगे, ठीक है? ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स इज ब्रोंकाइटिस। ओके, कफिंग है, वीजिंग है, वीजिंग यानी कि जब सांस लेते तो आवाज आती है, एक सीटी जैसी आवाज आती है, उसको वीजिंग कहते हैं। अस्थमा है, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर जड़ी बूटियां वो हेल्प करती है ये सारी चीजों को रोकने के लिए। एस्थमा अटैक आता है अगर आपको बार बार एस्थमा केयर ले, नाम से ही आपको काम पता चल गया होगा इसका। नॉर्मल लंग फंक्शन को मेंटेन रखता है, ब्रीदिंग पैसेज को खुला रखता है, तो आपको वीजिंग भी नहीं होगा, आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी, और एस्थमा अटैक का फ्रीक्वेंसी कम कर देता है ये, ठीक है? इसके अंदर दारू हल्दी है, वासक है, तुलसी है, त्रिकटू है, कांतकारी, भरंगमूल और श्वासकुथ रस इज द बेस्ट टॉनिक फॉर लंग्स। ओके, 1 कैप्सूल 2 times a day आप ले सकते हो जिनको एस्थमा है। जिनको एस्थमा डायग्नोज नहीं हुआ है, मैं रिपीट कर रही हूँ, जिनको एस्थमा डायग्नोज नहीं हुआ है पर उनको सांस फूल जाती है बार बार, वो भी ये ले सकते हैं।
ठीक है। हाँ, पर अगर आपकी सांस फूल रही है आपके वेट के कारण, तो पहले वेट कम कीजिए, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ये भी होता है कि सिर्फ वेट के कारण भी आपकी सांस फूलती है। ठीक है, ओके। क्लासिक हर्बल टैबलेट्स में आता है ऑब्वियसली तुलसी, बिकॉज तुलसी के अंदर वो गुण है, वो यूजिनॉल नाम का एक तत्व है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्प करता है। कफ, कोल्ड, रेस्पिरेटरी इश्यूज, आपको अगर सीजनल फीवर होता है, बार बार फ्लू लग जाता है, तो आप तुलसी टैबलेट्स ले सकते हो। स्वेलिंग होता है लंग्स में, किसी किसी लंग्स में स्वेलिंग हो जाती है। कंजेशन लगता है, यानी कि कफ निकल ही नहीं रहा है ना, कफ जमा हो गया है, वो तुलसी टैबलेट्स ले सकते हैं दिन में दो बार। सोर थ्रोट हुआ है, गला खराब है आपका, इन्फेक्शन हुआ है, रनिंग नोज, बहती नाक, सर्दी, स्ट्रॉन्ग करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को। खाना खाने से 30 मिनट पहले एक टैबलेट दिन में दो बार आप ले सकते हो तुलसी के। ठीक है, तुलसी तुलसी का कफ सिरप भी है। ओके, तो सिरप्स की श्रेणी में अगर मैं आपको बोलूं तुलसी का कफ सिरप, तो आपको पता है कि अभी जो मैंने आपको फायदे बताए थे तुलसी के, वो ही सब चीजें है ये करता है। ब्रोंकाइटिस यानी लंग इन्फ्लेमेशन, कॉमन कोल्ड यानी सर्दी, खांसी और जितनी भी समस्याएं हैं श्वास लेने के रिलेटेड। ओके, ये करता कैसे है काम अपना, ये जितना भी कफ जमा है आपका उस कंजेशन को क्लियर करता है, लूज कर देता है म्यूकस को, कफ को, म्यूकस यानी कफ। ठीक है, तो थिन बना, पतला करता है और लूज कर देता है और वो निकल जाता है बाहर। ठीक है, और इसके अंदर यष्टि मधु है, सूंठ है यानी अदरक का पाउडर, अदरक के पाउडर का अर्क, ओके, पाउडर नहीं, तुलसी, सोमलता, श्लेष मारक। श्लेष मारक क्या होता है, श्लेष यानी कि कफ, उसको मारता है यानी कि उसको कट कर देता है, जो मैंने कहा ना लूजनिंग म्यूकस, वो करता है श्लेष मारक। ओके, ये सारे जो जड़ी बूटियां हैं, हनी है इसके अंदर, पुदीना है, विभिद की है जो त्रिफला के अंदर भी होता है, 1 to 2 टीस्पून ट्वाइस डेली। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम हुआ है, ब्रोंकाइटिस हुआ है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कफ नहीं निकल रहा है आपका, राइट, कफ जमा हो गया है, ब्रीदिंग नहीं हो रहा है ठीक से, ये ले सकते हो आप। खास करके अभी बारिश में होगा, क्योंकि अगर आप भीगे हो तो बारिश में कभी भीग जाते हो आप, तो जल्दी से सर्दी लग जाती है, तो सर्दी में और बारिश में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ड्रॉप्स पे आते हैं, ड्रॉप्स में दो प्रकार के ड्रॉप्स है, एक है एस्थमा केयर ड्रॉप्स, तो जिनको एस्थमा की समस्या है उनके केस में अटैक होने से बचाता है, नॉर्मल लंग फंक्शन कैरी ऑन करते हैं, यानी कि जो भी लंग्स का जो काम है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, वो हेल्प करता है इसमें। इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है, आपके ब्रीदिंग के मसल, आपकी जो लंग के मसल्स है, ट्रैकिया है, जो विंड पाइप है, उसको रिलैक्स करता है, नहीं तो क्या होगा, सांस फूलने लगेगी आपकी अगर ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड हो गया तो। ठीक है, नहीं तो आप सांस के लिए तड़पोगे, तो वो नहीं होने देता है। एस्थमा अटैक्स की फ्रीक्वेंसी रोकता है, और ये टाइटनेस जो होती है चेस्ट में, वीजिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सारी चीजों को कम करता है। ये आप गुनगुने पानी में 10 से 12 ड्रॉप डाल के ले सकते हो। आप अगर आपको एस्थमा है तो आप एस्थमा केयर भी ले सकते हो, गोली, और एस्थमा ड्रॉप्स भी ले सकते हो। ठीक है, लास्ट है पंच तुलसी, क्योंकि तुलसी के अंदर वो गुण है जो आपका कफ को पतला करके निकाल देता है। ठीक है, कफ, कोल्ड, रेस्पिरेटरी इश्यूज में आपको मदद करता है, सीजनल फीवर से बचाता है आपको, कंजेशन हो गया अगर आपको कफ नहीं निकल रहा है तो भी ले सकते हो, लंग्स में स्वेलिंग हो गया तो भी ले सकते हो, रनिंग नोज, कोल्ड, सोर थ्रोट, इसके अंदर है 5 तरह की तुलसी, इसीलिए इसका नाम है पंच तुलसी। राम तुलसी, श्वेत तुलसी, कृष्ण तुलसी, वन तुलसी और अर्जक तुलसी, ये 5 तरह की तुलसी के प्रकार है जो आपको इस ड्रॉप्स में मिलते हैं। आपको इसको लेना है गुनगुने पानी में, आधे कप गुनगुने पानी में, 3 से 4 ड्रॉप, जैसे हम चाय कैसे पीते हैं वैसे भी ले सकते हो आप इसको। तो याद रखना है, आप है ना एक टेबल बना लीजिए अपना, एक क्या कहते हैं, पेपर पे लिख लीजिए कि आपके रिलेटेड कौन से प्रोडक्ट से कब लेना है, तो आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा, आपके सामने रहेगा, और आपकी टेबल पे उसको स्टिक कर दीजिए, कहीं पे फ्रिज पे स्टिक कर दीजिए, तो आपको पता है ये टाइम पे मुझे ये वाला ड्रॉप्स डालने हैं, ये वाले दवाई लेनी है। ठीक है, और उसी के साथ
अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने ध्यान से सुना. आज का टॉपिक थोड़ा हैवी था डाइजेस्ट करने में पर ये बहुत जरूरी था बिकॉज हम इन तीनों का ध्यान नहीं रखते, किडनी, लिवर और लंग्स का, हमारी आदतों की वजह से, हमारे खाने पीने की, लाइफस्टाइल की आदतें जो है, ये तीनों निग्लेक्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं. ठीक है, तो मेरी कोशिश, हमारी सभी की कोशिश SHPL में यही रहेगी कि आपके प्रति जितना हो सके नेचुरल सॉल्यूशंस आपको दे और उसी से आप अपने हेल्थ को सुधार सकते हो. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. ओवर टू यू शुभाशी सर. थैंक यू सो मच मैम. रियली एक बहुत ही बढ़िया सेशन रहा और आज तो एकदम एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह, मतलब सुबह सुबह एकदम बहुत बढ़िया. मतलब ये जरूरी है ना, ये मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ लेकिन ये जरूरी है. हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग जो सुन रहे हैं, ये इसको अगर हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई काम पे नहीं आएगा. और अप्लाई करने के लिए आपका ध्यान रहना बहुत जरूरी है. आप सुन रहे हो, आप भूल जा रहे हो तो फायदा नहीं है. सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के आप नींद मारो ना, एक मतलब बारिश के अंदर नींद मारो तो वो आपके सेहत के लिए अच्छा होगा. लेकिन क्योंकि हम लोग उठ रहे हैं, हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम लोग, आप देख रहे हो कि सर्वश्री के जितने सारे हम लोग हैं, मतलब कितना कोशिश हम लोगों का रहता है पूरे सर्वश्री का अपलिफ्टमेंट के लिए, ना कि कंपनी का, ना कि मैनेजमेंट का, ना कि हम लोगों का, लेकिन हम सभी का, मतलब जितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, अगर आपका सहयोग नहीं रहेगा तो सर्वश्री कभी भी टॉप फाइव में नहीं जा पाएगा. सो ये टॉप फाइव जाने तक जो जर्नी चल रहा है, ये सब उसका हिस्सा है. तो अगर हम लोग अटेंड कर रहे हैं तो अटेंटिवली अटेंड करें, माइंडफुली अटेंड करें, इसके लिए ही जो कुछ भी मतलब मैडम ने बोले. सो मैम, क्वेश्चन आने का तो सिलसिला शुरू हो गया है. सो पहले भी दो तीन क्वेश्चन मैं लिख के रखा था. ओके, फैटी लिवर के लिए आई थिंक ये सब आपने बोल दिए हैं. हाँ, इसीलिए मैं ना एक्चुअली वो क्या होता है, फिर जो मेन क्वेश्चंस है वो रह जाते हैं, वो जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो. अगर आपको फैटी लिवर, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस या कोई भी लिवर की प्रॉब्लम है, बिलिरुबिन कम नहीं हो रहा है अगर आपका, आपका अगर सीरम बिलिरुबिन कम नहीं हो रहा है, या फिर आपका अगर SGPT SGOT कम नहीं हो रहा है ब्लड रिपोर्ट में, तो आप लिवजाइम जो आपका सिरप है वो भी ले सकते हो और लिवम केयर कैप्सूल्स भी ले सकते हो. इसलिए मैं दो दो, इसलिए मैं कैटेगरी वाइज जाती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये वाला कैप्सूल्स की श्रेणी में से ये लेना है और सिरप की श्रेणी में से ये लेना है. ठीक है, ओके. वंदना जी बोल रहे हैं कि मैम, मेरे लड़के लिवजाइम लिया है, मतलब लिया था, बट उसका बिलिरुबिन कम नहीं हो रहा है. लिवजाइम सिरप लिया था पर बिलिरुबिन कम नहीं हो रहा है. ओके, तो उनको लिवर लिवजाइम भी, सॉरी, लिवम केयर भी दीजिए लिवजाइम के साथ. क्या उम्र है लड़के की वो नहीं पता मुझे, बट आप दे सकते हो, इट्स सेफ फॉर एवरीबॉडी. और उसके साथ साथ आप उनको अपने उनको जामुन टैबलेट्स भी दे सकते हो क्योंकि बिलिरुबिन के ऊपर असर बहुत अच्छा करता है जामुन, राइट? सो जामुन टैबलेट्स भी आप एक कैप्सूल उनको, हर्बल टैबलेट जो है ना हमारी, वो दे सकते हो. या फिर अगर बहुत ज्यादा आप मतलब असर नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट यू विल हैव टू कंटिन्यू दिस, 3 से 4 महीना मिनिमम कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब जाके होगा आपको ये, राइट? So, आयशा जी पूछ रहे हैं, डायलिसिस का कोई पेशेंट हो तो वो क्या प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? डायलिसिस का कोई भी पेशेंट है, वो किडनी रिलेटेड समस्या है इसलिए डायलिसिस कराना पड़ता है, तो उसके लिए आप केडियन केयर वाली जो कैप्सूल है वो दे सकते हो, किडनी केयर. या फिर आप अगर मैं आपको हर्बल वाली में बताऊं तो यू कैन गो फॉर दैट वन. एक मिनट, आई विल जस्ट शेयर दैट स्क्रीन तो समझ में आएगा. एक सेकेंड, सॉरी, स्क्रीन है चालू मेरा या अटक गया है? हाँ, चालू हो रहा है. हाँ, हो रहा है ना? हाँ, ओके. क्योंकि मेरे यहाँ पे थोड़ा, वन सेकेंड, सॉरी.
सॉरी, किसने पूछा था क्वेश्चन? आयशा जी. हाँ, सो फॉर डायलिसिस आयशा, सी एज आई सेड, जैसे मैंने कहा कि पुनर्नवा इज द बेस्ट हर्ब फॉर एनी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स. ओके, तो आप अगर डायलिसिस पे है तो प्रॉबेबली या तो वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से, बिकॉज किडनी जब फेल हो जाता है या किडनी अपने आप वो फिल्टर नहीं कर पाता है जो हमें नॉर्मल प्रोसेस करना है, तब हम पेशेंट को डायलिसिस पे रखते हैं. राइट, तो डायलिसिस का कंडीशन में आप पुनर्नवा टैबलेट दे सकते हो और केडियन केयर या किडनी केयर वाली कैप्सूल्स दे सकते हो, ये वाली, सॉरी आगे नहीं बढ़ रहा है, ये वाला. ठीक है, ओके. सो आगे बढ़ते हैं. डॉक्टर सहरान पूछ रहे हैं हेपेटाइटिस सी का सहायक औषधि बताया जाए. हेपेटाइटिस सी के लिए सेम अप्लाई होगा सर, जो मैंने आपको लिवम केयर का बताया, ये और ये लिवजाइम. जब तक आप हेल्दी एंजाइम्स नहीं बनाओगे लिवर में, तब तक आपका हेपेटाइटिस भी ठीक नहीं होगा, भले वो ए हो, बी हो या सी हो, हेपेटाइटिस ए, बी या सी. ओके, सो लिवजाइम सिरप जो है वो न्यू एंजाइम्स बनाएगा आपके, वो स्टिमुलेट करेगा लिवर के एंजाइम्स को. ठीक है, और आपका ये जो एक टैबलेट है, कैप्सूल है लिवम केयर, वो भी आपके लिवर के सेल्स को बचा के रखेगा, पैरेन्काइमा को प्रोटेक्ट करेगा. तो आपके जो हेपेटाइटिस सी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हेपेटाइटिस खास करके आप ये वाला दीजिए, अगर हेपेटाइटिस का कोई भी रूप है तो. इवन जॉन्डिस में आप लिवम केयर दे सकते हो. राइट, सो आगे बढ़ते हैं. मैम विष्णु जी पूछ रहे हैं लिवजाइम सिरप कितने साल छोटे एज के बच्चे से स्टार्ट कर सकते हैं और डोज क्या होगा? अगर जी, अगर वो बच्चे को लिवर प्रॉब्लम है, मैं अज्यूम कर रही हूँ इसीलिए आप पूछ रहे हो ये सवाल. राइट, अगर लिवर प्रॉब्लम है, आप 12 इयर्स के ऊपर दे सकते हो, 12 इयर्स के ऊपर आप दे सकते हो विदाउट एनी इश्यूज. डोजेज रहेगा दिन में एक बार, 10 ml लेना है, 10 ml लेना है और दिन में एक बार लेना है, ये वाला. एडल्ट्स के लिए 15 ml है और दिन में दो बार. So, गौरी जी पूछ रहे हैं मैम मुझे 15 से 20 दिन से बार बार यूरिन आ रही है, 10 से 15 मिनट में जाना पड़ रहा है. ओके, ये कंडीशन ना, ये जो कंडीशन बता रहे हो आप, ये आपके शुगर लेवल से जुड़ा हुआ रहता है. ओके, सो आप एक बार ब्लड शुगर टेस्ट कराए और आप किडनी फंक्शन टेस्ट भी कराए, जो रीनल फंक्शन टेस्ट है, दोनों कराए. तो लिवर रीनल फंक्शन टेस्ट एंड ब्लड शुगर टेस्ट, ये दोनों कराए, आपको शायद उसमें ही सोल्यूशन मिल जाएगा. अगर आपका शुगर बढ़ा है तो आपको वो कम करना है, बिकॉज डायबिटीज में भी क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है यूरिनेशन की. राइट, और अगर कोई और किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो केडीएन केयर शुरू कर सकते हैं. राइट, सो और एक बहुत अच्छा सवाल आयशा जी ने पूछे हैं, जिनके गॉल ब्लडर रिमूव हुए हैं वो भी लिवर के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं या नहीं? जी जी बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ज्योति जी बोल रहे हैं यूरिक एसिड बढ़ गया है तो यूरिक एसिड टैबलेट के साथ और क्या क्या दे सकते हैं? जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो यू कैन गिव अश्वगंधा एंड एलोवेरा, दिस वन. ठीक है, इसके साथ, हाँ ये वाले, ये यूरिक एसिड के साथ अश्वगंधा एंड एलोवेरा जूस दीजिए. आप रेड एलोवेरा भी दे सकते हो, एम आई राइट सर? या रेड एलोवेरा भी काम आएगा उनको. एकदम 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 बिल्कुल. सो ये भी ले सकते हो, एंड रेड एलोवेरा जूस भी एक आता है, वो भी ले सकते हो आप. राइट, सो ये एक चीज मैं मतलब बोलना चाहूंगा, क्योंकि सर्वश्री के जितने सारे प्रोडक्ट्स है इनका अलग अलग कंपोजिशन एंड अलग टेक्निक से, मतलब यूनिक कुछ हमारे R&D डिपार्टमेंट्स हैं, सो यूनिक कुछ टेक्निक से ये बनाया जाता है. तो इतने सालों का जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है सर्वश्री में, तो यूरिक एसिड में जो एक चीज, ये नुस्खा टाइप का आप कह सकते हैं मैम, लेकिन जो यूरिक एसिड टैबलेट है ना, उसके साथ क्लोरोफिल का एक कम्बिनेशन, मतलब बहुत अच्छा इसका फीडबैक आया, बहुत अच्छा. अच्छा, ओके ग्रेट. सो क्लोरोफिल भी ले सकते हैं आप, बिल्कुल राइट.
और हमारे जो जो हमारे वो दूसरे हर्ब्स वाले जूसेस है उसमें से आप यू कैन हैव त्रिफला आल्सो, त्रिफला जूस भी ले सकते हो, राइट, है ना, वो भी डिटॉक्स कर देगा पूरा. सो टिंकू जी पूछ रहे हैं, 14 साल के एक बच्ची है जिसको बेड पर टॉयलेट होता है रात को, ओके ओके, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाए? ये किडनी से ज्यादा, मुझे ये मैं आपको बताती हूँ ये क्यों होता है. ये किडनी के प्रॉब्लम से ज्यादा ना ये मस्क्यूलर रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिस क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रह रहा है, इसके लिए बेड वेटिंग हो रहा है. ओके, इसको बेड वेटिंग कहते हैं. तो बेड वेटिंग क्यों होता है? जब आपके ब्लैडर पे आपको कंट्रोल नहीं रहता है और यूरिन पास हो जाता है बाहर, तो उसके लिए इस ये प्रोडक्ट से ज्यादा मैं आपको एक एक्सरसाइज बताती हूँ, चैट बॉक्स में लिख रही हूँ, इसको थोड़ा गूगल करिए आप और वो बच्ची को आप बोल सकते हो करने के लिए. उसका नाम है कीगल्स एक्सरसाइज. ओके, देखिए मैंने चैट में अभी जस्ट लिखा है, कीगल्स एक्सरसाइज, KEGEL. इसमें आपको जो एक्सटर्नल ऑर्गन है आपका, ओके, यूरिनेशन का, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है. तो इससे आपके ब्लैडर को मजबूती मिलती है और यूरिन पास नहीं होता है अनलेस एंड अंटिल आप पास करना चाहो. ठीक है, तो बेड वेटिंग की समस्या है उसके लिए ये. पर अगर आप उसको अंदर से यू नो हेल्दी थोड़ा रखना चाहते हो तो यू कैन गिव एनी ऑफ द जो हमारे अभी हमने देखे ना कि डिटॉक्सिफाई करने के लिए. बट ये अंदरूनी प्रॉब्लम है ही नहीं, ये मुझे लग रहा है कि उनको खाली वो कंस्ट्रिक्शन नहीं हो रहा है, जो ब्लैडर के मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होने चाहिए वो नहीं हो रहे, इसीलिए मैंने ये एक्सरसाइजेस आपको सजेस्ट किए. ठीक है, right. एलोवेरा जूस, सॉरी एलोवेरा जूस आप दे सकते हो उसको, बट ये यूरिनरी प्रॉब्लम है ही नहीं इसलिए मैं ज्यादा फोकस इस पर नहीं किया कि आप ये दो. बट एलोवेरा एंड अश्वगंधा या एलोवेरा एंड लीची भी दे सकते हो, बिकॉज वो बच्ची है इसलिए वो फ्लेवर को ध्यान में रख के मैं आपको एलोवेरा और लीची वाला सजेस्ट कर रही हूँ, शायद उसको वो पसंद आएगा. ये टेस्ट शायद थोड़ा सा बच्चों में शायद एक्सेप्ट ना हो. जी, सो आपने एकदम सही स्लाइड पे अटक के रखा, बिकॉज ये प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत टेस्टिमनी आया है मैम. अरे वाह, ओके ओके. सो एलोवेरा अश्वगंधा आप यूज करवा सकती हैं, लेकिन जो है मैम ने एकदम सही बोले कि ये टोटली आपका उनका जो मेंटल कंडीशन है उसके साथ साथ जो मसल कंस्ट्रक्शन के बात है तो वो सारे एक्सरसाइज वगैरह के वजह से हो जाता है, ठीक हो जाता है. जी, सो सुरेश जी ने एक सवाल पूछे तो उनको मैं कहना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले इस सवाल का जवाब मैडम ने दे दिया है कि यूरिक एसिड टैबलेट के साथ क्या लेना चाहिए, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. सो अभी टाइम है वाइंड अप करने का, सम अप कर लेते हैं. सॉरी, और जितने सारे दोस्त सवाल किए हैं और जिनका सवाल मैं देखते हुए भी मैं उनका आंसर नहीं, मतलब उनको हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, आप समझ जाइए कि आपके सवाल का टॉपिक आज नहीं था. ठीक है, तो आपके सवालों का टॉपिक जिस दिन रहेगा, ये बार बार बोला जाता है बिकॉज इतने सारे सवाल आता है, ये सारे सवाल का जवाब अगर देना जाते हैं तो पूरा दिन आपका सेशन मतलब रहना पड़ेगा. सो उस सेशन में आप ही रहोगे और कोई नहीं रहेगा, मतलब हम लोग भी नहीं रह पाएंगे बिकॉज ऑलरेडी 9:30 बज गए हैं. सो हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ जिन लोगों का सवाल मैं अटेंड नहीं कर पाया. और सोराइसिस के बारे में पूछे हैं, आपके पीरियड प्रॉब्लम के बारे में पूछे हैं, स्किन के बारे में पूछे, फैट कैसे कम करना है वो भी पूछा है, फैट कैसे कम करना है, सर ये सब कुछ कुछ टॉपिक हो चुका है. आप यूट्यूब में जाइए, आपका रिलेटेड आंसर मिल जाएगा, नहीं तो आप वेट कीजिए अगले सेशंस में, जब वो टॉपिक के ऊपर होगा तब हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे. सो प्लीज बी कोऑपरेटिव, हमारे साथ भी आपका कोऑपरेशन बहुत जरूरी है. और थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन, बहुत बहुत अच्छा सेशन आज का रहा, थैंक यू सो मच. और जितने सारे लोग आज देखें आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए. और क्या कहें, मुलाकात होगा कल सुबह 8 बजे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ और अनुषा मैडम के साथ कल मुलाकात होगा. तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, और क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो गया है, बारिश भी मतलब रेनफॉल हो रहे हैं बाहर, नेटवर्कर हैं, बाहर जाना पड़ेगा, भीगना भी पड़ेगा, लेकिन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ.
अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और तब तक के लिए कल मुलाकात हो रहा है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, साथ रहिए सर्वश्री का, फैलाते रहिए सर्वश्री के प्रोडक्ट्स का. थैंक यू सो मच, विश यू अ वंडरफुल हेल्दी एंड एनर्जेटिक डे. थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, बाय.